ये इसको समझिए, एक्चुअल में ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और फनी इशू है। एक टाइम मैं भी बहुत बचपन की बात है, मैं छोटा था तो मैंने सुना था कुछ ऐसा स्टोप देवता का चल रहा है, क्योंकि मेरा बचपन आपके उसी सिस्टम में ही पड़ेगा उसी दरमियान में। एक्चुअल में क्या, इस पर भी बड़ा काम होता है। एक और चीज़ होती है प्लैनचिट, ऊर्जा बोर्ड, जिस पे एक लोग प्लैनचिट पे लेटर्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट और सिक्का रखते हैं और सिक्का मूव होने लगता है, उसी को ऊर्जा बोर्ड भी बोलते हैं, तो कहते हैं उससे भी हम जवाब ले लेते हैं, मतलब उसी तरह की चीज़ें। अब ये चीज़ें क्या हैं, हम इसमें हमको चीज़ें समझनी है। ये हमारे सबकॉन्शियस, हमारी एनर्जी और उस सब का मिला जुला सिस्टम है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ना इसमें कोई रहस्यमय रोल है। कई बार प्लैनचिट पे भी कहते हैं कि जो सबकॉन्शियस एनर्जी है, थॉट है व्यक्ति का, वही उसको मूव करने लगता है। तीन लोग अगर सजेस्टिव माइंड से बैठे हैं वहाँ पर, कि उनका सजेशन है कि अच्छा, ज़्यादातर ये चीज़ें होंगी तभी जब इनका ह्यूमन बॉडी से कांटेक्ट होगा। मतलब आप माइक यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ से नहीं उछल जाएगा ये माइक, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये जो आप घटना बता रहे हैं उसमें भी ये ज़रूर होगा कि उसको कोई ना कोई टच करेगा, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ह्यूमन टच आएगा। तो जो ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो सब रोल अपना प्ले करने लगेगा, वो चीज़ें मूव होंगी। फिर एक और चीज़ है, हमारे सबकॉन्शियस को हमारे बहुत सारे आंसर पता हैं जो हमको नहीं पता है। तो एक खास स्थिति में कई बार वो बहुत एक्यूरेट भी हो सकती हैं चीज़ें, कि इवन पेंडुलम डाउजिंग को तो पूरे एक साइंस की तरह से लोगों ने डेवलप किया है। उस पर जैसे मुद्रा थेरेपी पे बात हो रही थी, कोर्सेज, तो डाउजिंग के पूरे कोर्सेज होते हैं। पेंडुलम, एक पेंडुलम है, हाथ में पकड़ते हैं और फिर वो पेंडुलम मूव होगा किसी डायरेक्शन में, किसी लेटर पे अपने आप मूव होगा वो। लेकिन वो पेंडुलम हाथ में पकड़ेंगे तभी मूव होगा, उसको आप किसी डंडी में लटका दीजिए तब मूव नहीं होगा। जैसे आप उसको किसी स्टिक में लटका दीजिए और फिर आप कितनी भी प्रे करिए, पेंडुलम नहीं मूव होगा। मूव तभी होगा जब कोई उसको हाथ से पकड़ेगा। जब हाथ से पकड़ेगा तो हमारा सबकॉन्शियस, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सब उसमें रोल अपना प्ले करने लगेंगे, तो उसमें कई बार चीज़ें आ जाएंगी। फिर दूसरा क्या है कि बहुत सिस्टमेटिक डेटा भी कभी इन चीज़ों का कोई नहीं रखता है कि कितनी बातें सही हुई, कितनी गलत हुई। कई सारे आंसर तो हमको भी पता होते हैं और वो जादू नहीं है। जैसे कि आप क्वेश्चन क्या सोच रहे हैं, कोई इसको यहाँ कागज़ पर लिख सकता है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ एयर में है कहीं पर। तो कई बार मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई या कोई काम हुआ और उसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट भी एयर में है। उसको कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ लेगा, ये डिपेंड करता है। रिज़ल्ट तो बन चुका। अब जैसे मान लीजिए आप टीचर रहे हैं, आप भी प्रोफेसर रहे हैं, तो मार्किंग का एक सिस्टम है। आप जब मार्किंग कर रहे हैं तो उसका एक सिस्टम है, ऐसे क्वेश्चन पे इस लेवल के आंसर पे इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट आपका माइंड उसको जानता है। आप आज टीचर, आज प्रोफेसर बने हैं, तो कल को आप भी स्टूडेंट ही थे, यानी कि उस स्टूडेंट का माइंड एक टीचर वाला माइंड भी कभी कभी होता है किसी खास स्टूडेंट का, तो वो इवेल्युएशन भी जानता है। लेकिन अभी उसे कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि इवेल्युएशन, तो जब उसने एग्जाम की कॉपी पे लिखा अपना आंसर, तो उसको उसके ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को इवेल्युएशन करीब करीब क्लियर है कि मुझको इतने नंबर इसमें मिल सकते हैं या इतने मिलेंगे। प्रिडिक्ट कर सकता है वो, कभी अचानक उसको सपने में आ जाए कि मुझको इतने परसेंट है, इतने मार्क्स आए, और कभी कभी लोग लगे बड़ा एग्जैक्ट बिल्कुल यही, लेकिन वो तो उसके इवेल्युएशन में उसको पता था। और फिर क्या है कि जो कहीं कॉपी चेक कर रहा होगा, हमारे इवेल्युएशन के माइंड और सब में कनेक्टिविटी है, कोई चीज़ इतनी दूर नहीं है। तो लेकिन ये हमेशा तय बात है कि वो आंसर एयर में पहले ही होता है। जो आंसर एयर में पहले नहीं है, उस आंसर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ है। तो बहुत सारे, इसीलिए दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो कहे कि अच्छा हम ये प्रेडिक्ट करेंगे
तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसे ही होगी। ये प्रडिक्शन यानी प्रडिक्ट करने वाले बहुत लोग हैं, पिछली बार भी आप जिक्र कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी प्रडिक्शन देते हैं, एक्यूरेट प्रडिक्शन देते हैं, लेकिन इतनी किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो हर चीज़ बता दे। वो इसलिए है, उसके बारे में मेरी बिल्कुल क्लैरिटी है। मैं ये मानता रहा हूँ कि हमारी लाइफ में भी तमामों चीज़ें उस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करीब करीब बन चुकी होती हैं, तो उनको एक्सेस करना पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसी अननोन जो उनकी घटनाएं हैं जो एक्सेस होंगी ही नहीं, यानी कि वो बनेंगी, जब बनेंगी तब बनेंगी, अभी भाई कहीं पे नहीं है। अब जैसे आप आए यहाँ, तो इतना तो करीब तय है कि अब आप वापस घर जाएंगे, यानी उस एक्सेस पॉइंट में ये चीज़ तो क्लियर है कि आप घर जाएंगे। अब घर जाने का मैप रूट एक है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैप फिक्स्ड है, तो उस मैप पे आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ और नहीं जा सकते हैं, करीब करीब क्लियर है। यानी अगर आप घर लौटेंगे यहाँ से तो एक रूट है, तो हम ये नहीं कह सकते अभी कि आप यहाँ से निकले तो अपने दिल्ली के रूट पे, कलकत्ता के रूट पे, और आप पहुँच जाएंगे कहीं बिल्कुल अपोजिट उसमें, वो मुश्किल होगा। लेकिन इसी रूट पे दाएं बाएं कहीं आप जा सकते हैं, किसी स्टेशन पे उतर सकते हैं कहीं और, मतलब एनीथिंग। वो चीज़ें भी कभी कभी प्रोबेबिलिटी की तरह से काम करती हैं। अब जैसे मैथमेटिक्स में भी आप देखें, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो मैथमेटिक्स में भी एक पूरी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, पूरा मैथमेटिकल उसमें स्टडी है। जैसे कि हम कोई सिक्का फेंकेंगे, उसका हेड गिरेगा, तो ये मैथमेटिकली उसमें वो लोग गणित उसकी बताएंगे कि जब आप सिक्का उछालेंगे तो कितनी बार हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी, या आप कोई ऐसी चीज़ फेंकते हैं जैसे लूडो ही खेल रहे हैं आप, कोई डिस्क है कोई फेंक रहे हैं, तो 5 नंबर कितनी बार आएगा, ये सब गणित है। तो ये सब एक्सेसिबल हैं चीज़ें, तो बहुत सारा संभव। तो ऊर्जा बोर्ड, प्लान शीट, इसीलिए उसको बहुत रेशनल और साइंटिफिक जोन में कभी बहुत एक्सेप्टेंस नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली क्योंकि जब बहुत ज़्यादा उनको स्क्रूटनी में डाल दिया जाए तब वो लोग नहीं बता पाएंगे। अगर उनको बहुत रेशनल उसमें डाल दिया जाए कि अच्छा ये भी बताइए ये भी बताइए, तो कहेंगे अच्छा ये तो नहीं बता सकते हैं। ये चीज़